मास्टर के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ दीदी, मेरे मन में एक सवाल है। ये निमास्टर कितना बीघा जमीन के लिए काम आता है? ये 1.5 बीघा जमीन में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है रस चूसने वाले कीड़ों को बचाव के लिए, जैसे सफेद मक्खी और मोहल्ला, इनसे बचाव के लिए इसको उपयोग में लेते हैं। तो दीदी बताइए, निमास्त्र बनाने में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? हाँ दीदी, मैं बताती हूँ। 50 लीटर पानी लेना है और 2 किलो गाय का गोबर लेना है और 5 लीटर गौमूत्र लेना है और 5 किलो नीम की पत्तियां कुटी हुई लेनी है और बड़ी लकड़ी लेनी है और बड़ा ड्रम लेना है। और फायदा ये है कि उसमें कोई भी खर्चा नहीं है। बहुत बढ़िया। तो दीदी समझ में आया आपको निमास्त्र के फायदे और उसको बनाने की सरल विधि? हाँ दीदी। हाँ दीदी। चलो और बताओ, किसी के मन में और कोई सवाल हो तो बताओ। दीदी मेरा भी एक सवाल है, निमास्त्र को किस किन 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 फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है? निमास्त्र का हम सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे दलहन फसल, खाद्यान्न फसल, सब्जी और किचन गार्डन सभी में उपयोग कर सकते हैं। दीदी मेरा भी एक सवाल है, निमास्त्र को कितने महीने तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं? दीदी अच्छा सवाल है, हम निमास्त्र को 3 महीने रख करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दीदी राजू का बहुत धन्यवाद, जिसे हमें बिना खर्चा के कीटनाशक दवाई बनाना सिखाया, जिससे हमारे फसलों का बचाव होता है।